अरे भाई साहब, इतने सारे ज़ोंबी, वो भी हमारे घर के बाहर। ये तो आए हैं कहाँ से मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये हमारे घर के बाहर ही क्यों है भाई? मुझको लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, और यदि इनको दरवाज़ा खुला मिल गया तो घर के अंदर आ सकते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। और गाइज, यहाँ पर मैंने चोक और सिंचैन को अभी बंदी बनाया है ताकि इनका भी पता चल जाए कि ये ज़ोंबी बनेंगे या फिर ये सही है, क्योंकि ये बाहर से आए हैं अभी अभी और मैंने इनको यहीं पर बंदी बना दिया है। और आप गाइज देख सकते हो कितने सारे ज़ोंबी, अरे भाई घर के अंदर भी घुस गए हैं। चलो गाइस, इनको तो मेरे को मारना होगा वरना हमारे सारे घर के अंदर ये सारा का सारा सामान बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैंने यार सारा का सारा घर तो लॉक कर दिया है इधर उधर से फेंस लगाकर, लेकिन ये कैसे ना कैसे करके घर के अंदर घुस रहे थे। अरे भाई सब जंप लगा था लेकिन मैं तो नीचे गिर गया। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ से ध्यान से जाना होगा। अच्छा भाई, यही आ गया ज़ोंबी, ले भाई सब तेरे को। अरे भाई साहब बच गया था, लेकिन कैसे ना कैसे करके मैंने इसको मार दिया, और मेरे को भी खाने के लिए आ रहा था। यदि इसने मेरे को खा लिया होता तो मैं भी ज़ोंबी बन जाता। अच्छा तू ले भाई, तू भी खा। अरे भाई साहब, ये तो बेचारी लेडी थी। चलो कोई नहीं, कोई भी हो गाइज, हमें को मारना पड़ेगा यदि कोई ज़ोंबी बन गया है तो। अभी घर के अंदर घुसना होगा मेरे को और देखना होगा कि यहाँ पर तो कोई ज़ोंबी है नहीं जो कि मेरे सारे के सारे खाने के सामान को भी बर्बाद कर सकता है। और मुझको लगता है कि हमारे पिंचन बाहर ही गए हुए हैं लॉस सेंटर्स के अंदर, उसको भी ढूंढ के लेके आना होगा। अरे भाई साहब, ये लेडी भी ज़ोंबी थी लेकिन इसने मेरे को देखा ही नहीं और मैं यहाँ से चला गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस लेडी को तो बाद में आकर यहाँ से मारता हूँ। बट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अच्छे से लॉक हो चुका नहीं भाई साहब, यहाँ पर जगह है थोड़ी थोड़ी, यहाँ से शायद ज़ोंबी आ सकते हैं। गाइज यहाँ पर बहुत सारी फेंस लगाई हुई है लेकिन इसके ऊपर से भी कूद कर आ सकते हैं। अच्छा भाई, तुम दोनों कहाँ से आए भाई? अभी इनको देखते हैं गाइज कैसे टपकाते हैं। ले भाई साहब, अरे भाई ये तो गन के शोर से देखो गाइज कितनी जल्दी जल्दी मेरी तरफ ही आ रहे हैं, और मेरे को कैसे ना कैसे करके इन सबको मारना होगा और दोबारा से ऊपर जाना होगा वरना ये नीचे तो मेरे को मार देंगे। काफ़ी सारे बंदे हैं ये, और ये देखो गाइज कैसे घूम रही है ये लेडी। ले भाई, अच्छा भाई अंकल जी भी आए हुए हैं। अंकल जी तू भी खा ले। और देखो गाइस कैसे मेरी तरफ ही आ रहे हैं, इनको लग रहा कि ये इंसान है, ये ज़ोंबी नहीं बना अभी तक। चलो इसको भी ज़ोंबी बना देते हैं, लेकिन मैं इनसे ज़ोंबी नहीं बनूंगा, मैं इन सबको मार के ही दिखाऊंगा। और मुझको चिंता हो रही थी हमारे पिंचन की क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं। अच्छा भाई तू भी आ गया, ले भाई साहब तेरे को भी टपका देता हूँ। और हमारे पिंचन को ढूंढते हुए हमें जाना होगा लॉस सेंटर्स के अंदर, और मेरे को बिल्कुल ध्यान से जाना होगा यहाँ से क्योंकि यहाँ पर ज़ोंबी हो सकते हैं। चलो चलो भाई ऊपर की तरफ चलते हैं, और मुझको लगता है कि ऊपर की तरफ जाने के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाले। अरे भाई साहब मैं तो टकरा गया था इस फेंस से। अच्छा भाई कैसे मेरे पीछा कर रहा था, और ले भाई साहब इसको भी टपका दिया है। अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं, अभी ध्यान से जाना क्योंकि यहाँ से भी ज़ोंबी आ सकता। अच्छा भाई साहब यहाँ से आ रहे हैं सबके सब कूद कर। चलो भाई यहाँ से इन सबको टपका देता हूँ ताकि ये यहाँ पर ना आ पाए और मेरे घर को नुकसान ना पहुँचा दे। चलो अभी देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ गया भाई वो। अच्छा नीचे की तरफ जाएगा, चलो ले। तो गाइस इसका भी काम तमाम कर दिया। अरे भाई साहब सिंचन तो इस साइड में कैसे आ गया? अरे भाई साहब सिंचन भी शायद गाइस ज़ोंबी बन सकता है। अभी मेरे को दूसरी तरफ जाना है जंप लगाकर, और यहाँ पर देखना होगा कि कहाँ कहाँ ज़ोंबी घूम रहे हैं क्योंकि मेरे को पिंचन को भी ढूंढ के लेके आना है। और गाइस आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बहुत ही ऊपर की तरफ जा रही है, आपको भी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। और गाइस आसपास देखना होगा मेरे को कि ज़ोंबी तो है नहीं यहाँ पर, तो चलो यहाँ से ही जा सकता हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पर जाने से बहुत खतरा है। अभी मेरे को कुछ ना कुछ आइडिया लगाना होगा। ले भाई साहब आगे फ्रंट की तरफ देख सकते हो गाइस कितने सारे ज़ोंबी खड़े हुए हैं, और ये शायद मेरा ही इंतजार कर रहे हैं कि ये बाहर निकलेगा और इसको हम खा जाएंगे। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई भाई। अब मेरे कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगाना होगा जिसके कारण मैं यहाँ से भाग जाऊँ और हमारे पिंचन को ढूंढ के लेके आऊँ ताकि वो भी ज़ोंबी ना बन जाए। यदि वो ज़ोंबी बन गया तो वो मारना पड़ेगा मेरे को कैसे ना कैसे करके। और गाइस अभी मेरे को आइडिया आया है, हम सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं और ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, उसको लेकर हम लॉस सैंटोस की गली गली को छानबीन कर लेंगे ताकि हमारे पिंचन मिल जाए और उसको मैं हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा कर ले आऊँगा। सबसे पहले तो हमें बिल्डिंगें चेक करनी होगी कहीं वो ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर ना हो। और अभी इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुका हूँ, और गाइस अभी आपको दिखाता हूँ कितने सारे ज़ोंबीज घूम रहे हैं, वो भी गाड़ियाँ ले लेकर घूम रहे हैं। गाइस पूरा लॉस सैंटोस ज़ोंबियों से भरा हुआ है। अभी हम काफ़ी दूर तो आ चुके हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। अरे भाई साहब यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ोंबीज घूम रहे हैं गाइस, अभी बहुत ही खतरा लग रहा है मेरे को। तो पता नहीं हमारा पिंचन बच रहा होगा या फिर नहीं। अभी हमको हेलीकॉप्टर को लैंड करना होगा कहीं ना कहीं ताकि मैं यहाँ पर देख लूँ। मुझको लगता है कि हमारे पिंचन यहीं पर हो सकते हैं, तो भी मेरे को यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना होगा बिल्कुल ही सोच समझ कर क्योंकि काफ़ी सारे ज़ोंबीज हो गए नीचे, और यदि ज़ोंबी ने मेरे को पकड़ लिया उसके बाद तो भाई मेरे को भी वो ज़ोंबी बना देंगे और फिर मैं हमारे सिंचैन चोप और पिंचन को नहीं बचा पाऊंगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं लैंड करता हूँ और देखते हैं गाइस आसपास कोई भी ज़ोंबी नहीं दिख रहा, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर तो ज़ोंबी है ही नहीं। चलो गाइस यहीं पर आए थे हमारे पिंचन, अब यहाँ पर जल्दी जल्दी देखता हूँ। अरे भाई सब सामने से ही आ गए भाई, अरे पीछे से आ गए, इतने सारे ज़ोंबीज देखो गाइस साउंड सुनते ही आ जाते हैं। चलो भाई
इसको टपका। अरे भाई साहब पीछे से भी, भाई मेरे को तो डर लगने लग गया गाइस, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से ज़ॉम्बी निकल आते हैं और मुझको लगता है कि मेरे डर के कारण मैं खुद ही ना मर जाऊं। चलो भाई अभी मेरे को हारना नहीं है, हमारे पिंचन को ढूंढना है, कहीं पिंचन यहीं पर तो है नहीं भाई, मेरे को तो लग रहा है कि पिंचन दूसरी जगह जा सकता है, अभी मेरे को दूसरी जगह जाकर भी देखना पड़ सकता है। चलो कोई नहीं, यहीं पर ढूंढ लेता हूँ बिल्कुल ही अच्छे से, मेरे को लगता है कि यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी, 50-50 चांस है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं भाई, दूसरी साइड और जाके देखना होगा गाइज। अभी जल्दी जल्दी से ही चल रहा हूँ मैं ताकि मेरे को ज़ॉम्बी ना पकड़ ले। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही गलत बात है भाई, सामने से भी आ गए। अरे भाई देखो गाइज कितने सारे ज़ॉम्बी मेरे को पकड़ने में ही लगे हुए हैं, इनको लग रहा कि हम इनको एक बार पकड़ लेंगे उसके बाद हम इसको खा लेंगे और फिर ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये तो बहुत ही गलत बात है भाई तुम्हारी, हमें तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। और गाइज आप देख सकते हो कैसे बेचारे ज़ॉम्बी बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं और ये मेरे पीछे घूम घूम कर ये सोच रहे कि इसको तो पकड़ लेंगे। चलो भाई अभी हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करते हैं। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही पास में आ गए। अरे भाई साहब हमारा हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो सकता है गाइज, और यदि एक बार क्रैश हो गया उसके बाद तो मेरे को नहीं छोड़ने वाले। अभी तो मैं इसको बूस्टर देकर उठाता हूँ। अरे भाई साहब फिर से बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो गया है, अभी ऊपर की तरफ उठ जा भाई उठ जा। चलो ये तो अच्छी बात है कि हमारा हेलीकॉप्टर उठ चुका है और ये हवा के अंदर अभी देखो कैसे लहरा रहा। अभी जल्दी से चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर हमको जाना है शोरूम के अंदर, शायद हमारे शोरूम के अंदर ही पिंचन हो सकते हैं, यहाँ पर तो हमको नहीं मिले। अभी जल्दी से यहीं पर लैंड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइस क्या यहाँ पर हमारे पिंचन मिलेंगे या फिर नहीं। अभी मेरे को हमारे चोप और सिंचन की भी चिंता हो रही है क्योंकि वो घर पर दोनों अकेले हैं और शायद वो ज़ॉम्बी बन सकते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ से जाना होगा और यहाँ पर संभल कर ही कूदना होगा नीचे क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी हो सकते हैं। अरे भाई भाई भाई, अरे भाई साहब मैं तो गिर ही गया। चलो कोई नहीं यार, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। अभी इस शोरूम के अंदर जाकर देखना, अभी देखते हैं यार, ये तो लॉक कर दिया है भाई। मुझको लगता है कि इस शोरूम के मालिक ने इस शोरूम को लॉक कर दिया है, उसको पता चल गया कि यहाँ पर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर लॉक करके घर पर जा चुका है शायद, या फिर वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होगा। चलो कोई नहीं भाई साहब, यहाँ से दूर जाते हैं ताकि यहाँ पर ज़ॉम्बी हमको टच ना कर पाए और यहाँ पर तो हमारे पिंचन का अता पता है ही नहीं। अरे भाई साहब इतने सारे ज़ॉम्बी वो भी गाड़ियों से निकल रहे हैं और मेरे को बहुत ही डर लग रहा है, कहीं ये मेरे को ही ना पकड़ ले। अभी जल्दी जल्दी से मेरे को छत के ऊपर जाना होगा, शायद ये छत के ऊपर तो नहीं आ सकते। और गाइस अभी जल्दी जल्दी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर नहीं लेके जाऊँ क्योंकि मेरे को अभी सिंचनों गलियों में ढूंढना होगा और देखते हैं क्या मिलने वाला है या फिर नहीं। अभी नीचे की तरफ एक बाइक खड़ी हुई है, पता नहीं किसकी है, इसी को ही लेकर चलता हूँ। अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ। अरे भाई साहब बच गए यार, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा कहीं ये सारे के सारे ज़ॉम्बी मेरे पीछे ना पड़ जाए। अभी मुझको लगता है यस गाइस पीछे ही पड़ चुके हैं, ये तो भाई खतरनाक है, अभी इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊँ, ये कौन है। अरे भाई साहब ये एम्बुलेंस वाले भी, हमारे डॉक्टर साहब भी यही बन चुके हैं ज़ॉम्बी, और अभी यहाँ से भागता हूँ यार, मेरे को तो डर लग रहा कहीं यहीं पर आसपास हमारे पिंचन भी ज़ॉम्बी ना बने हुए हों और मैं उसको घर पर लेके जाऊँ और वो मेरे को खा जाए। अरे भाई साहब ये तो लेडी भी गाड़ी के अंदर से उतरी थी और ये भी ज़ॉम्बी बनी हुई थी, अभी तो काफ़ी डर लग रहा है गाइज मेरे को। और यहाँ पर भाई साहब दूसरी ही गाड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं बाइक के ऊपर सेफ नहीं हूँ। देखो गाइज कैसे ज़ॉम्बीज बाहर निकल रहे हैं और मुझको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, आपको भी डर ही लग रहा होगा गाइज। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पिंचन कहाँ गए, चिंता मत करो हम उसको ढूंढ लेंगे। अरे भाई साहब ये तो पीछे आ गए, अभी जल्दी जल्दी भागना होगा यहाँ पर। ओ भाई साहब क्या पावरफुल गाड़ी है गाइज, इस गाड़ी के साथ आप देख सकते हो कैसे ट्रक को दूर फेंक कर मारा। वाह भाई साहब बिल्कुल ही मस्त गाड़ी मिल चुकी है, अब हमें ज़ॉम्बी नहीं पकड़ पाएंगे। और इस बस के अंदर भी भाई इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं। अरे भाई साहब इतने ज़ॉम्बी यार आ कहाँ से रहे, मुझको तो लगता है कि लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी इंसान नहीं बचा जो कि ज़ॉम्बी ना हो। अभी हम सामान भी नहीं खरीद सकते कहीं दुकानों से क्योंकि वहाँ पर भी ज़ॉम्बी होंगे। अभी देखो गाइस कैसे आ रहे थे सबके सब मेरे पास, मैंने एकदम से स्पीड कर दी गाड़ी की और सबसे दूर चला गया। अभी मेरे को कोई ना कोई आइडिया लगाना होगा ताकि मैं घर पर पहुँच जाऊँ और हमारे पिंचन और चोप और पिंचन को बचा लूँ, लेकिन हमारे पिंचन तो मिल ही नहीं रहे। अभी देखते हैं गाइज घर पर जाकर, शायद घर पर ही मिल जाए। देखो गाइज ये पूरी की पूरी बस ही ज़ॉम्बी से भरी हुई है और देखो गाइज मेरे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे को गाड़ी में बिठा लो और मैं तुमको खा जाऊंगा, ये तो गलत बात। अरे भाई तुम्हारी बाइक देख ले भाई ज़ॉम्बी, तो बाइक से उतर कर मेरे को खाने के लिए आया था। चलो कोई नहीं, उसको ही मैंने मार दिया। तो गाइज जितनी भी स्पीड इस गाड़ी के अंदर है मैं पूरी की पूरी लगा दूंगा और तुमको जल्दी से घर पर पहुँच कर दिखा दूंगा। चलो कोई नहीं भाई साहब, अब मैं किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करता, चाहे कहीं पर ये ठुके गाड़ी या फिर ना ठुके, क्योंकि पूरी स्पीड के साथ ही जाना होगा, कहीं वहाँ पर हमारे सिंचन और चोप ना मर जाए। और हमें उसके लिए दवाई भी लेके जानी थी, यानी कि कोई भी टैबलेट,
जो कि उनको ठीक कर सके। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पर मेडिकल है, अभी आगे की तरफ जाना होगा और वहाँ पर देखते क्या मेडिकल मिलेगा हमें या फिर नहीं। अरे भाई साहब, ये गाड़ी देखो गाइस कैसे फेंकी है इस गाड़ी ने। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे वेपन लगे हुए हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मैं गलत रास्ते पर आ गया। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से गाड़ी घुमा लेते हैं। अच्छा भाई, इस गाड़ी के अंदर भी ज़ॉम्बीज, अरे भाई साहब हर जगह ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। अरे भाई साहब, ये बाइक वाला भी ज़ॉम्बी बना हुआ है, पता नहीं पहाड़ के ऊपर चढ़कर क्या कर रहा था। अब यहाँ से हम जा तो रहे हैं, लेकिन सामने गाड़ियाँ बहुत हो सकती है जो कि ज़ॉम्बी लेके आए होंगे और शायद वो हमको घेर भी सकते हैं। चलो कोई नहीं यार, ये रिस्क तो ले लेते हैं हम आगे की तरफ जाने के लिए। ले भाई, बिल्कुल ही बीच में खड़ा कर रहा था। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो कोने कोने पर खड़े हुए हैं यार ज़ॉम्बी, जल्दी से सीधी हो जा गाड़ी यार, ये मेरे पीछे ही आ गए थे, कहीं मेरी खिड़की खोल कर ये बाहर ना निकाल लें। बस गाइस, अभी देखो थोड़ी देर बाद हम पहुँचने ही वाले हैं हमारे घर और वहाँ पर होने वाले हमारे सिंचैन। और पिंचन तो नहीं होंगे भाई, पिंचन तो मिल ही नहीं रहा। यदि उसकी किस्मत अच्छी होगी तो वो घर की तरफ आ जाएगा, वरना लॉस सेंटर्स के अंदर तो उसको कोई भी बचाने वाला है ही नहीं। हमारे ट्रेवर और माइकल भैया पता नहीं कहाँ पर गए हुए हैं, शायद वो भी ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। और अभी देखते हैं गाइस क्या होने वाला है हमारे फ्रैंकलिन के साथ, क्योंकि फ्रैंकलिन भी अभी ज़ॉम्बी वाली गैंग की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पर इसके घर के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, अभी देखते हैं या फिर नहीं। अभी तो मेरे को लगता कि एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। यस गाइस, सारे के सारे ज़ॉम्बी यहाँ से चले गए हैं और फ्रैंकलिन खुश हो चुका है। फ्रैंकलिन को लग रहा कि अब तो मेरे को मजा ही आ जाएगा। चलो भाई फ्रैंकलिन, पीछे के रास्ते से जल्दी से तुम घर के अंदर एंट्री ले लो। ओ भाई साहब, ये तो मिस्टेक हो गई यार, गाड़ी के अंदर एक ज़ॉम्बी आ चुका है और ये शायद अब सभी ज़ॉम्बीज को बुला लेगा कि यहाँ पर फ्रैंकलिन आया हुआ है, हम सब फ्रैंकलिन को मिलकर मार देंगे। अरे भाई फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी भाग ले भाई, तुम्हारे बिल्कुल ही पीछे आ रहा है ये ज़ॉम्बी, बहुत ही खतरनाक लग रहा है मेरे को तो। अरे भाई साहब, फ्रैंकलिन इससे पीछा तो छुड़ा लिया, लेकिन कब तक छुड़ाएगा, अभी इसको घर के अंदर एंट्री लेनी है। देखते हैं कोई ना कोई रास्ता मिल गया तो यहाँ से फेंस के ऊपर से तो नहीं जाएगा। अरे भाई साहब, ये फेंस किसने तोड़ दिया यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। अभी फ्रैंकलिन इसको सही करता है और देखते हैं गाइस, हमारे फ्रैंकलिन ने इसको तो सही कर दिया, लेकिन हमारे सिंचन बन चुके हैं ज़ॉम्बी। अभी फ्रैंकलिन इसको मारना नहीं चाहता, ये सोच रहा कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और हमारे सिंचन को कैसे ना कैसे करके ठीक करने की कोशिश करूंगा, बट सिंचन तो हमारे फ्रैंकलिन का ही पीछा कर रहा है। फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी जा भाई, कहीं तेरे को सिंचन ना काट ले और तुम भी ज़ॉम्बी ना बन जाओ। चलो गाइस, यहाँ पर हमारे फ्रैंकलिन आ चुके हैं, इसको डर है कहीं ये भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। अभी फ्रैंकलिन बहुत ही चिंता के अंदर है, ये सोच रहा कि यार सिंचन को मैं कैसे ठीक करूंगा। और गाइस आप देख सकते हो, सिंचन बिल्कुल इसके पीछे आ चुका है और सिंचन सोच रहा है कि ये फ्रैंकलिन नहीं है, ये तो एक इंसान है जो कि जिंदा है अभी तक। और गाइस, यहाँ पर हमारे फ्रैंकलिन अभी ऊपर की तरफ आ चुके हैं और ये सोच रहे हैं यार कैसे मैं सिंचन को ठीक कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं भाई चोप है या फिर नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो ज़ॉम्बी है नहीं, लेकिन यहाँ पर चोप भी नहीं है गाइस, शायद चोप भी यहाँ से भाग चुका है, जैसे कि हमारा सिंचन यहाँ से निकल चुका है। मुझको तो बहुत ही डर लग रहा है, दोनों का पता नहीं क्या होने वाला है। चलो गाइस, जो भी होगा देखा जाएगा, बट अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से भागना है। हमारे पिंचन का अभी कोई भी अता पता नहीं है और मुझको लगता कि एक जगह छूट गई है जहाँ पर हमारा पिंचन हो सकता है, वो जगह है ड्राइवर का घर, वहाँ पर ही देख के आना होगा मेरे को। लेकिन यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी, अरे भाई साहब एक नहीं, यहाँ पर तो अनेकों ज़ॉम्बीज है। मैं भी सोच रहा था कि ये कहाँ पर गए हुए हैं, ये तो दूसरी साइड में खड़े हुए थे और ये शायद मेरे को ही ढूंढ रहे थे। तो गाइस कैसे ना कैसे करके अभी मेरे को ड्राइवर के घर जाना है। चलो यहाँ से कूद लेता हूँ, अभी मेरे को एक खतरा मोल लेना। अरे भाई साहब नीचे ही गिर गया, ये कैसे भाई, इतने सारे ज़ॉम्बी बिल्कुल मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे को यहाँ से भागना चाहिए और सामने से भी आ रहे हैं। अरे भाई साहब, पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज गैंग मेरे पीछे पड़ चुकी है, अभी मैं क्या करूँ, ये गाड़ी भी नहीं लेके जा सकता, अभी दूसरी तरफ से ही मेरे को जाना होगा। चलो देखता हूँ वहाँ पर गाड़ी मिल गई तो ठीक है। अरे भाई साहब, सिंचन ज़ॉम्बी सामने कैसे आ गया यार, इससे तो मेरे को बचना चाहिए क्योंकि मैं इसको मार भी नहीं सकता और मेरे पास अभी तो गन भी नहीं है। अरे भाई साहब, बाल बाल बच गया यार, इस ज़ॉम्बी से मैं टकरा ही गया था और बिल्कुल मेरे पीछे ही आ रहा, लेकिन मेरे को अभी जल्दी से घर के अंदर जाना, कैसे जाऊँ भाई कैसे जाऊँ। चलो यहाँ से जंप ले लेता हूँ। ओ भाई, इस ज़ॉम्बी से तो मैं बाल बाल बचा गाइस, और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ ताकि मैं दूसरी तरफ जंप लगा कर उस गाड़ी को ही स्टार्ट करके लेके जाऊँ। अरे भाई, चोप भी यहीं पर है और गाइस मेरे को लगता है कि चोप को भी यहाँ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया है और चोप भी ज़ॉम्बी बनने ही वाला होगा, और अभी मेरे को इन दोनों से ही दूर रहना है ताकि मैं बचा रहूं। चलो भाई, ऊपर की तरफ तो आ चुका हूं, लेकिन अब मैं कहां से जाऊं। अरे भाई, बिल्कुल सामने खड़े हुए गेट के, ताकि मैं गाड़ी लेकर ना जा सकूं। अभी इसी गाड़ी को मैं लेके तो नहीं जा पाऊंगा, अभी दूसरी गाड़ी ही ढूंढनी होगी। कैसे ढूंढे यार दूसरी गाड़ी, बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो चुका हूँ मैं तो। चलो कोई नहीं, एक ट्राई और करता हूँ, यदि मैं इनको नहीं पकड़ा गया उसके बाद तो मैं बच जाऊँगा और उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी लेकर चला जाऊँगा। अभी यहाँ से इस बाइक को तो नहीं ले जा सकता, अभी दूसरी तरफ जाना होगा और सबके सब मेरे पीछे लग चुके हैं।
चलो कोई नहीं भाई, कितनी देर और मेरे पीछे लगोगे, मैं यहीं से गाड़ी तो नहीं ले पाऊँगा, अभी दूसरी तरफ ही जाना है मेरे को, अभी जल्दी जल्दी ही जाऊँगा ताकि तुम मेरे को ना पकड़ पाओ, बस कोई जोम्बी सामने से ना आ जाए। अरे भाई साहब, इस मोटे जोम्बी ने तो मेरे को पकड़ ही लिया था, बस कुछ ही दूरी पर बाकी था। चलो कोई नहीं भाई, काफ़ी समय हो चुका है मेरे को यहाँ पर घूमते हुए, अभी सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है उसी को ही लेके जाऊँगा। अरे भाई ये तो मैं गिर गया, चलो कोई नहीं भाई, दोबारा से उठ जाएंगे। और ये गाड़ी भी शायद जोम्बीज की गई हुई है हमारे घर की तरफ, चलो कोई नहीं भाई वो गाड़ी तो। अरे भाई मोटे, अरे भाई सब देखो गाइस कैसे मोटा ये जोम्बी दूसरी तरफ चला गया, पता नहीं इसको क्या हुआ, इसको लग रहा अरे फिर से मेरी तरफ आएगा। चलो कोई नहीं, यदि सामने आ गया तो इस गाड़ी से ही उड़ा दूंगा तेरे को। और गाइस आप देख सकते हो कितने सारे जोम्बीज मेरा पीछा कर रहे हैं और इनको लग रहा कि हम फ्रैंकलिन को पकड़ लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो कैसे मैंने अपनी जान बचाकर यहां से भागने की पूरी पूरी कोशिश की है। और अभी मैं जा रहा हूं हमारे ड्राइवर के घर पर और वहां पर देखते हैं क्या पिंचन मिलेगा या फिर नहीं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोज़।